शिमला जिला के रामपुर के खनेरी स्थित चार जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं परिसर की खामियां उजागर होते ही उन्हें दुरुस्त करने का काम तेज हो गया है। चिकित्सालय में बिजली वायरिंग से जुड़ी तमाम खामियों व ऑक्सीजन आपूर्ति को जवाबदेही बनाया जा रहा है, लेकिन चिकित्सालय में पिछले एक माह से एक्सरे मशीन खराब होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मजबूरन निजी क्लिनिकों में जाकर महंगे दामों पर एक्सरे करवाने के लिए मजबूर है। पूर्व पंचायत प्रधान रंजीत ठाकुर ने बताया कि खनेरी चिकित्सालय में जो इंतजाम होने चाहिए थे वह नहीं है। पिछले एक माह से एक्सरे मशीन खराब पड़ी है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जो दो तीन दिन पहले जो यहाँ कोरोना की वजह से जो डेथ हुई है, उसका यह है कि जो हॉस्पिटल में जो काम करने के लिए जो मशीनरी है, जो इनके पास जो इंतज़ाम है, वो उसमें जो है प्रॉपरली वो नहीं है, और जो है जिसके चलते ये चीज़ें हुई है। और जो है जैसे सरकार दावा कर रही है कि भाई जो है प्रॉपरली मरे जो है हर हॉस्पिटल में सारा इंतज़ाम है, तो जो है वो ऐसा है नहीं है। और जो यहाँ तक कि जो है रेगुलेटर तक जो है खरीद नहीं पा रहे हैं, उसको जो है ठीक कर नहीं पा रहे हैं, और बल्कि सरकार ये बोल रही है कि भाई हम दिल्ली के लिए मदद करेंगे, दूसरे अदर स्टेटों के लिए मदद करें, बल्कि अपने स्टेटों में जो है हॉस्पिटल की हालत जो है ठीक नहीं है। ये तो एक्सरे मशीन जो है उसकी क्या स्थिति है? एक्सरे मशीन वो तो पहले से इनके ख़राब होते, जब भी छोटी सी बीमारी हो उसके लिए भी जो है प्राइवेट हो जो एक्सरे के लिए जाना पड़ता है, और दूसरी भी जो मशीनरी है जो है इसके साथ में सारे जो है हमेशा जो है इनका जो है उसमें जंग लगा है, और जिससे जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अस्पताल के अंदर। पूर्व जिला परिषद सदस्य बिहारी सेवांगी ने बताया कि तीन दिन पहले तीन मरीजों की खनेरी चिकित्सालय में ऑक्सीजन समय पर न मिलने से मौत भी हो गई थी, जिनमें एक शोली से और एक ब्रो और एक अरसू से शामिल हैं। हरिचंद लक्टू पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद रामपुर ने बताया कि चिकित्सालय में पिछले एक माह से एक्सरे मशीन खराब पड़ी है। सैकड़ों की संख्या में मरीज यहां एक्सरे करवाने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है। हरीश लक्टू, एक्स वाइस चेयरमैन नगर परिषद रामपुर बुशहर। आज महात्मा गांधी चिकित्सालय रामपुर बुशहर परिषद में हम आए। यहाँ पिछले एक महीने से जो एक्सरे मशीन है वो ख़राब चल रही है। सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर पेशेंट आते हैं। ऊपर से कोरोना का जो महामारी पिछले लगभग 14-15 महीने से जो चली हुई है, और ऑक्सीजन जो सबसे बड़ी बात है, ऑक्सीजन जो सिलेंडर है, सिलेंडर तो पिछले कल तक तो थे नहीं, अब आए हैं, कईयों के रेगुलेटर ख़राब है। ऊपर से जो गेज है, जो सिलेंडर की गेज चेक करना है कि भी कितना हमने उसको दूसरे सिलेंडर में शिफ्ट करना है, ये कोई पता नहीं है वो सिलेंडर पूरे आ रहे कि आधे आ रहे। मेरे को तो ऐसा लगता है इसमें भी कोई गफला है। जहाँ तक भाजपा नेताओं की सवाल है, उनको जो है राजनीतिक रोटी सेकने से मतलब है, वो नहीं देख रहे हमारे हॉस्पिटल में क्या समस्या है, लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है, उस विषय में वो जो है बात नहीं उठाते हैं अपनी सरकार से। तो यहाँ कहाँ कहाँ से आते हैं मजदूर जो है? तो यहाँ चार डिस्ट्रिक्ट है हमारे, लाहौर स्पीति हो गया, हमारा किन्नौर हो गया, हमारा बगल में कुल्लू है, मंडी है, शिमला, यानी कि पांच डिस्ट्रिक्ट के जो लोग यहाँ पर अपने उपचार या अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, उधर आप कुमारसन के लोग यहाँ आते हैं, ननखरी के लोग यहाँ आते हैं, तो एक्सरे के लिए बड़ी दिक्कत है लोगों को। और जो बाहर जो प्राइवेट है वो तो अपने मनमर्जी का रेट ले रहे हैं। तो लगभग चिकित्सालय में भर्ती मरीज के तीमारदार सेवाराम ने बताया कि उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कनेक्शन भी ठीक नहीं है, ऑक्सीजन रेगुलेटर भी बदल दिए हैं, पहले स्थिति बहुत बदतर थी। मेरा नाम सेवाराम है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को 5 दिन हो गए यहाँ आया था, 2-3 दिन स्थिति ठीक नहीं है, परसों से कल से स्थिति यहाँ पे ठीक है। हर चीज़ की बिजली के कनेक्शन भी ठीक दे दिए गए हैं, और ये क्या बोलते हैं सिलेंडर का ये भी ठीक कर दिया गया है, रेगुलेटर वगैरह लगा दिए गया, सर्विस अभी ठीक है प्रोवाइड, इतनी दिक्कत नहीं। कल से पहले क्या स्थिति थी? कल से पहले तो बहुत ख़राब था, ना तो यहाँ पे कोई प्लग ठीक था, एक मशीन को एक ही जगह लग रहा, 6 मशीनें एक ही प्लग ठीक था, रेगुलेटर नहीं था सिलेंडर में, कोई भी एक सिलेंडर में एक रेगुलेटर। ऑक्सीजन की क्या दिक्कत थी? ऑक्सीजन की तो नहीं थी दिक्कत, ऑक्सीजन तो ठीक ही था, परसों से ठीक है। उससे पहले देखा नहीं मैंने। वहीं अन्य मरीजों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से चिकित्सालय में मरीज के साथ हैं। पहले चिकित्सालय की स्थिति खराब थी, बिजली खराब थी, ऑक्सीजन रेगुलेटर खराब थे, लेकिन कल से हालात सामान्य हो गए हैं, स्विच भी बदले गए हैं। मैं पिछले
चार दिनों से यहाँ पर हूँ। दो एक दिन मैं स्थिति में थोड़ी सी ख़राब थी, मतलब कि कुछ स्विच नहीं चल रहे थे, रेगुलेटर्स में भी कहीं प्रॉब्लम थी, मगर परसों से रेगुलेटरी जो स्टाफ है बहुत बढ़िया कोऑपरेट करता है और मुझे लगता है कि सारे स्विच भी ठीक हो गए हैं, रेगुलेटर्स भी ठीक हैं। और जो कब बदले हैं ये सारे? दो तीन दिन में जब मैं आया है तो उसके बाद बदल दिए गए हैं, बहुत बढ़िया हुआ है काम। और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी इतनी स्थितियों को देख करके भी अपने ऊपर एक वॉरियर के रूप में हमारे मध्य आते हैं और काम करते हैं बड़े एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। और रोज बहुत इसी तरह से डॉक्टर्स को दो रोज से पहले क्या स्थिति थी? दो रोज से पहले जो मैंने यहाँ सुना कि नहीं आ रहे थे, उसके बाद स्थितियाँ बहुत बढ़िया हुई है और जब से हुई है, और मुझे लगा कि हाँ जी मारे परसों तक दिक्कत थी, परसों से देखो मारे को ठीक हो रहा है, डॉक्टर भी चल रहे और नर्स भी आ रहे, बेचारी दवाइयाँ भी दे रहे, हमारी देखभाल भी हो रही, सब कुछ देखभाल हो रही। तो बोले हम ये सूच साच कब ठीक हुए? सूच एक कल ठीक हो गए, सारा दिन लगाया हम नहीं। अच्छा, सिलेंडर भी मिल रहे हैं? सिलेंडर तो कहाँ डाले, हम तो मशीन का ये करते हुए। ठीक